इधर मध्य प्रदेश में उपचुनाव के पहले बीजेपी को झटका लग सकता है। देवास के हाथ पिपलिया सीट से टिकट का दावा कर रहे दीपक जोशी आज शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। वो फुल बगावत के मूड में दिख रहे हैं। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आष्टा से भोपाल के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने इसके संकेत दिए। सैकड़ों वाहन काफिले के साथ वो भोपाल आकर दीपक जोशी भोपाल आ गए और दीपक जोशी ने आदि टीवी से खास चर्चा में कहा कि कार्यकर्ताओं की भावना मुख्यमंत्री तक पहुंचाना जरूरी है, जिसके लिए वो सीएम से मिलने जा रहे हैं। उन्होंने कहा उनके लिए कार्यकर्ता सर्वोपरि है और उन्हें विश्वास है कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं का ध्यान रखते हुए उचित निर्णय सीएम लेंगे। हाटपिपलिया विधानसभा सीट से मनोज चौधरी को टिकट दिए जाने की चर्चा से जोशी नाराज हैं। पूर्व मंत्री और हाटपिपलिया से पूर्व विधायक दीपक जोशी भोपाल के लिए कूच कर रहे हैं। इस समय आष्टा बाईपास से आप देख सकते हैं कि दीपक जोशी इस गाड़ी में है और यहाँ से भोपाल के लिए रवाना हो रहे हैं। हम दीपक भैया से बात करने की कोशिश करेंगे। ये भोपाल के लिए रवाना हो रहे हैं दीपक भैया, बुलावा या कार्यकर्ताओं का दबाव? नहीं नहीं, कार्यकर्ताओं का दबाव नहीं, पार्टी संगठन में बातचीत करने का हमारे यहाँ सिस्टम रहा है। अगर कुछ कमियां हमारे अंदर है तो वो कमी हमारे नेता हमारे उजागर करते हैं। अगर हम उनमें कहीं वो लगता है कि उनका मार्गदर्शन हमको मिलना चाहिए तो वो समय समय पर होता है। माननीय मुख्यमंत्री से बात चर्चा हुई थी, चर्चा के बाद ये तय हुआ था कि जो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अभी भी काम से ठीक से लगे नहीं है, हो सकता है उनको ये भी कहा जा रहा है कि मेरे समर्थक है, उन सब कार्यकर्ताओं को हम एकजुट करके आज माननीय मुख्यमंत्री से मिलवा रहे हैं इस अनुरोध के साथ कि जो विकास कार्य हमारे साथ नहीं हो पाए उन विकास कार्यों को पूरा करना। लेकिन दीपक भैया, इसके पहले भी 3 मरतबा आपकी मुलाकात हुई और लगातार कार्यकर्ताओं का दबाव आप पर रहा है, जिनके जो आपके लिए काम करते पार्टी के लिए काम करते आए हैं। नहीं देखिए, कार्यकर्ता तो हमारे लिए सर्वोपरि है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति की है, मेरे पिताजी का इस राजनीति भारतीय जनता पार्टी से संस्था जनसंघ के समय से संबंध है। एक बड़ी कार्यकर्ताओं की श्रृंखला हमारे साथ कहीं ना कहीं पारिवारिक रूप से जुड़ी है, तो उनकी बात को भी मुझे पहुँचाना चाहिए। ये बात सही है कि इस दौरान मेरा भी मन कहीं ना कहीं व्यथित हुआ था। उन मन व्यथित होने में कार्यकर्ताओं का ही संबल मेरे साथ, उन संबल के कार्यकर्ताओं के कहने पर ही आज मैं, चूंकि कार्यकर्ताओं का ये कहना कि हम ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक स्थिति में जो माननीय जोशी जी का क्षेत्र रहा है वो विकास में भी अग्रणी हो, इस विकास की बात को लेकर हम चर्चा के लिए आ रहे हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि दीपक जोशी बड़ा फैसला लेने के मूड में है? नहीं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर इन कार्यकर्ताओं का जो हमारा विकास का मामला है उसकी चर्चा करूंगा। चुपते आचार संहिता लग गई, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी कोई घोषणा तो नहीं कर सकते, लेकिन आज वो आश्वस्त तो कर सकते कि हम इस काम को लगेंगे। बिल्कुल, ये थे दीपक जोशी जो देवास से निकले हैं और अब भोपाल की तरफ कूच कर रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता उनके साथ।